फर्स्ट इंडिया का गंदगी हटाओ अभियान, पिंक सिटी का रियलिटी ट्रैक, जयपुर ग्रेटर से गंदगी लाइव, आखिर कहां है 7 दिन का वादा करने वाली मेयर? सवाल ये, क्या 7 दिन में साफ हो गए जयपुर ग्रेटर से गंदगी? सवाल ये भी, तस्वीर देखिए, हैरानी होगी आपको भी, क्या मेयर शील धबाई के पास है इन सवालों के कोई जवाब? जो सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या 7 दिन में साफ हो गई है जयपुर ग्रेटर से गंदगी, क्या मेयर शील धबाई के पास इन सवालों के जवाब है? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल पूछ रहे हैं। इसी पर मेरे सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ चुके हैं सीधे ग्राउंड से, उनके पास में चलती हूं। श्वेता, जो वादा किया था कि 7 दिन में पूरा साफ हो जाएगा, कचरा हट जाएगा, साफ सफाई होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी, वो वादे की जो है हवा निकलती हुई दिखा रही है तस्वीरें, दिख रही है तस्वीरें, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या जो वादा किया था वो पूरा हो पाया है? अगर नहीं तो फिर इसकी वजह क्या? बिल्कुल बिल्कुल दीपा, देखिए 7 दिन में कचरा हट जाएगा, 7 दिन में जयपुर पूरा साफ हो जाएगा, ये चैलेंज और ये वादा किया था कार्यवाहक महापौर शील धबाई ने। लेकिन इस वक्त हमने भी रियलिटी जानने की कोशिश की, क्योंकि जो जनता है वो परेशान हो रही है, सिर्फ गंदगी का आलम नहीं है, आलम यहाँ पर क्या है, स्थितियां क्या है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम बता दें आपको, लाल कोठी में मौजूद है जहाँ ये पुलिस हेडक्वार्टर है एक तरफ, तो दूसरी तरफ यहाँ पर लाल कोठी सब्जी मंडी है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है इन दोनों के बीच में, बीच में एक अच्छी सी सड़क जाती है, बिल्कुल मजबूत सड़क, लेकिन सड़क आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर कचड़े का अंबार लगा हुआ है। आप जरा एक नजर देखिए, कैमरा पर्सन हमें दिखा, आपको दिखा रहे होंगे कि देखिए ये है, और ये जहां तक कैमरा जा रहा है वहां तक सिर्फ गंदगी है, और ये गंदगी ऐसा नहीं कि ढेर है, ये देखिए ये मजबूत सड़क बनी हुई है, सड़क आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि सड़क के ऊपर कचरा ही कचरा नजर आ रहा है, और बहुत थोड़ी सी जगह यहाँ पर बस्ती है गाड़ियां निकलने के लिए, क्योंकि कचड़े ने पूरी सड़क को कवर कर कर रख लिया है। आलम यह है कि 7 दिन हो जाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कचरा उठता नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर ढेर लगा है, क्योंकि सब्जी मंडी का कचरा यहाँ पर डंप होता है, लोगों के घरों से जब कचरा नहीं उठता है तो वो यहाँ आकर डंप करते हैं, और इसके बाद सबसे ज्यादा जो मुश्किल हो रही है वो यहाँ रहने वाले लोगों को हो रही है। अब देखिए, कोरोना है, मास्क लगाना जरूरी है, हमने भी मास्क लगाया है, लेकिन यहाँ पर कोरोना अगर खत्म भी हो जाए तो भी बिना मास्क के सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने एक मास्क लगाया, मुझे लग रहा है मुझे 3 मास्क लगा के आना चाहिए, क्योंकि इस गंदगी में, इस बदबू में यहाँ पर खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो वो 7 दिन की बात कर रही थी कार्यवाहक मेयर, वो जिम्मेदार जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि सफाई करनी चाहिए, वो आखिर है कहाँ, क्यों आंख मूंद करके बैठे हैं? जब चुनाव होता है तब तो पार्षद, देखिए एक पार्षद घर घर जाके बात करता है कि वोट देना चाहिए, लेकिन जिसलिए जनता उनके उनको लाती है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, फिर वो कहां नदारद हो जाता है। मेरे सहयोगी भारत भी मेरे साथ है, लगातार नगर निगम कवर करते हैं, उनसे बात करते हैं। भारत, देखिए तस्वीरें तो हमने दिखाई, आलम यह है कि सांस लेना मुश्किल आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, क्यों नहीं हो रहा है ये? और जो मेयर दावे करती है, जो जिम्मेदार ये दावे करते हैं कि हम सब कर रहे हैं, सफाई हो रही है, कहां है वो सफाई? देखिए बिल्कुल श्वेता, आप देख सकते हैं कम से कम 100 मीटर का जो एरिया है वो कचरे से पूरी तरह से कवर हुआ है। केवल एक जगह के हालात ये नहीं कि यहाँ पर ही कचरा है, अब हर वार्ड में जाएंगे तो हर वार्ड में जो पार्षद है, स्थानीय पार्षद, कचरे की समस्या से बड़ा परेशान है। लगातार निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी संबंध में ये बात कही जाती है, लेकिन आज जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहे हैं जिस तरह स्थानीय निवासियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि 10-10 दिन तक ये कचरा है ऐसे ही यहाँ पर पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों का कचरे के प्रति किस प्रकार का रवैया है, वो खुद ही नहीं चाहते कि जयपुर शहर साफ हो, ग्रेटर नगर की एक स्वच्छ छवि यहाँ पर बने, जिस प्रकार से ठीक है। लेकिन भारत, ये जिम्मेदारी तो होती है कि आपको गाड़ियां भेजो, आपके पास सब संसाधन उपलब्ध हैं, मेयर इस पर जवाब दे रही है क्या कुछ? देखिए बिल्कुल, लगातार हमने पहले भी कचरे के को लेकर इस तरह की खबरें यहाँ पर चलाई है, लेकिन लगातार जिम्मेदार जो अधिकारी एक ही बात कहते हैं, नहीं दिखवाया जाएगा और दुरुस्त करवाया जाएगा, निगम को साफ बनाया जाएगा, लेकिन हालात धरातल पर आपने भी देखे किस तरह के हालात है, अधिकारी सिर्फ दावे करने के अलावा, वादे करने के अलावा कोई काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो नगर निगम को कवर करते हैं, वो तो ग्राउंड पर लगातार मौजूद भी रहते हैं, जब मुद्दा उठाया था कचरा नहीं हटाया जा रहा, सफाई नहीं हो रही है, तब भारत ने कई सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन ये तस्वीर भारत तो अच्छे से समझते भी होंगे इस बात को कि ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि ग्रेटर नगर निगम के अलग अलग हिस्सों में अगर आप जाते हैं तो ऐसी तस्वीरें आपको अमूमन दिखाई देती हैं, और लोग वहां के बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं कि जब 2 नगर निगम बना दिया गया तो फिर उनको फायदा जो मिलना था वो फायदा कहाँ पर है? राम भरोसे जयपुर की सफाई चल रही है ये कह सकते हैं? हाँ, भरत इसको अच्छे से समझते होंगे, उनसे पूछिए। बिल्कुल, राम भरोसे तो चल ही रहा है, लेकिन भरोसा तो मेयर पे होना चाहिए, जिम्मेदारी मेयर की है, जिम्मेदारों की है, वो कैसे करें? भगवान को ही सब करना होता तो नगर निगम ही यहाँ पर क्यों बनाया जाता? फिर इंसान खुद ही कर लेता कि भाई ये जिम्मेदारी हमारी, तब शायद मुझे लगता है कि ज्यादा सफाई शहर की रहती। जब हम, आप जो जयपुर में रहते हैं उनको पता होता है कि हमारे घर के आसपास की सफाई हमें खुद करनी है, तो हम अपने लेवल पे करवाते उसे या खुद करते,
मेयर के भरोसे नहीं होते। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है क्योंकि वो डेली यहाँ पर रहते हैं रोजाना। भाई साहब आप लोग यहाँ रहते हैं या काम करते हैं? यही रहते हैं जी, हम यही रहते हैं। जरा ये बताइए ये कचरा इतना है आप लोग को दिक्कत नहीं होती क्या? दिक्कत क्या, बदबू आती है बहुत भयंकर, लेकिन अब क्या करें। हम तो पहले भी एक दो दफे शिकायत कर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन फिर दो तीन दिन कचरा उठा लेते हैं फिर वापस भूल जाते हैं, फिर यही डर लग जाता है यहाँ पे। नहीं तो क्या फोन करने पर सफाई होती है या कोई रूटीन है इनका? फोन करने पर सफाई होती है, बोलते हैं किसी को सेट सेट बोलते हैं कि सुनवाई नहीं, जब तक कंप्लेंट नहीं करेंगे जब तक कोई सुनवाई नहीं होती। और जैसे हफ्ते के अंदर भी उठाएंगे ना तो एक दो ट्रैक्टर भेजेंगे, पूरा कचरा नहीं उठाएंगे। आप देखो पुलिस मुख्यालय के पास में है तो देखो इतनी गंदगी है, तो आप सोचो आम गलियों में जयपुर में क्या हालत होगी। अगर जो ये आज भी नहीं उठाना कचरा तो ये बिल्कुल रोड ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा बहुत मक्खियां हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं खाना वाना भी खाते हैं, दिक्कतें नहीं होती क्या? ये जब उठाते हैं ना कचरा तो बहुत बुरी बदबू आती है, बेटा भी नहीं जाता इधर। उठाने पे भी वैसे मौजूद है कचरा तो भी बदबू ही है, बदबू है। कोई दो चार आदमी हमारे मिलने वाले जुलने वाले आते हैं, आप गंदगी में रहते हो आप लोग। आप तो पार्षद क्या कभी आपके यहाँ के पार्षद? कभी नहीं देखा हमने, नहीं कभी नहीं देखा, ये तो पार्षद कभी देखा ही नहीं। वोट मांगने तो आए होंगे? हाँ आते हैं ना, क्यों नहीं आते हैं, वोट मांगने लिए तो सभी आ जाते हैं सफाई करने के लिए। अभी तो बारिश का मौसम है, बारिश में वैसे भी मानसूनी सीजन है, बीमारियां भी ऐसे ही होती है। दूसरी तरफ महामारी का दौर है कोरोना का, सफाई उसमें बहुत जरूरी होती है। ये सड़क हम देख रहे हैं, सड़क तो आधे कचरे से दबी हुई है, गाड़ियां कैसे निकलती है? बारिश में तो पानी भी भरता है, ऊपर होके निकलती है, पानी भरती है ऊपर होके निकलती है, जाम लग जाता है रास्ते में, तो आदमी भी नहीं चलता इस पे, और गड्ढे हो रहे इधर गाड़ियों से गिरते। अच्छा, तो फिर गाड़ियों से लोगों को दिक्कत होती होगी? हाँ जरूर होती है, गिर भी जाते हैं कई दफे, कपड़े खराब हो जाते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, और बदबू भी आती है, कपड़े बिल्कुल बिस्तर सब खराब होते हैं, उन सामान तक गिर जाते हैं कई लोगों के, फल सब्जियां सब गिर जाती है यहाँ पे। अच्छा शिकायतें आप लोग किसी से करते? आपने कहा कि जब आप फोन करते तब गाड़ी उठाते तो भी पूरा कचरा नहीं उठता। नगर निगम में ही कर सकते हम लोग तो, वहीं तक गाड़ी जब आती है तो पूरा कचरा नहीं उठाती, तो आप लोग कहते नहीं कि आधा ये फॉर्मेलिटी क्यों कहते हैं? ऐसे बोलते हैं गाड़ियां भर गई फिर आ रहे हैं एक चक्कर लेके, अभी छोड़ के आ रहे हैं, बाद में आएंगे कल आएंगे उठा के ले जाएंगे, कोई ट्रैक्टर आता जैसी भी लेके आते हैं उठाते हैं, ये गाड़ी भर के ले जाते हैं। अब देखिए आपने सुना कि इन लोगों ने क्या कहा, आप देखिए समझिए, जब कोरोना महामारी आई दीपा तो कहा गया कि सफाई बहुत जरूरी है, और इतनी ज्यादा जरूरी है कि आपको मास्क भी रखना है, घर में साफ सफाई रखनी है, हाथ धोते रहना है। ऐसी गंदगी में जो लोग रहते होंगे वो कैसे सुरक्षित रहते होंगे, ये आप भी जरा समझिए कैसे सुरक्षित रहते होंगे? कितनी दिक्कतें यहाँ पर होती है कि आप सांस नहीं ले पाते हो, अब खाना खाने बैठते हो यहाँ इतनी मक्खियां हैं कि आपके खाने पे वही मक्खियां बैठते हैं, आपको वही खाने के लिए आप मजबूर हो, या आप शिकायतें करते हैं रोड पूरी भर चुकी, लोग यहाँ ऊपर से जाते हैं गाड़ी लेके, कई गाड़ी वाहन जो चालक है खासतौर से टू व्हीलर वाले वो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है। क्या इतना सब कुछ भी होने के बाद नगर निगम के कान में जू नहीं रेंगती है? क्या जिम्मेदारों को समझ में नहीं आता है कि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है वोट लेने के लिए? तो आप चले मेयर खुद यहाँ से गुजरती होंगी श्वेता, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल बड़ा ये है कि सब लोगों को दिक्कतें दिख जाती हैं, कचरा दिख रहा है, हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, लेकिन जो लोग यहाँ से गुजरते हैं जो जिम्मेदार हैं उनको आखिर ये कचरा क्यों नहीं दिखाई देता, उनको ये क्यों नहीं दिखाई देता कि शहर सफर कर रहा है, सफाई बहुत जरूरी है। कोविड से बचने के लिए भी बार बार ये कहा गया कि अगर गंदगी करेंगे तो और भी तमाम बीमारियां जो बढ़ेंगी और फिर परेशानी खड़ी होगी, और परेशानी से निपटने के लिए इंतजाम पहले से इन्हीं को करना होगा। मेयर पर भरोसा लोग कर रहे हैं लेकिन वो भरोसा जो किया जा रहा है धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। वादा किया गया था कि 7 दिन में सब साफ होगा लेकिन कहीं पर भी सफाई के वो हालात दिखाई नहीं दे रहे जो होने चाहिए थे। मानसूनी वक्त है, बारिश होगी, खतरा और भी बढ़ेगा। चलिए बहुत शुक्रिया श्वेता आपका पूरी जानकारी के लिए भी और ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए। सवाल यही है कि सफाई कब होगी? गंदगी हटाओ अभियान हम चला रहे हैं, हैशटैग फर्स्ट इंडिया क्लीन योर सिटी। अब मेयर पर ये सवाल खड़ा होता है कि जो वादा किया था कि 7 दिन में सफाई होगी, साफ सफाई की जाएगी, लेकिन वो सफाई कहाँ पर हो रही है? गंदगी भरी हुई है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि अब आने वाले दिनों में क्या कदम उठाया जाता है या फिर वो अपने स्तर पर कुछ इस पर संज्ञान लेती है।